మానేస్తున్నారు. మళ్ళీ కొద్దిసేపటికి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇది అదే సమయంలో చాలా మంది మీరు ఎవరైతే సెన్సిటివ్ గా ఉన్నారో మీరు కూడా మాకు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఇది కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ అకేలా या थोड़े हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इधर जीएचएमसी के कमिश्नर हैं कलेक्टर हैं ट्रिपल सी ऑडिटोरियम में आप सबको मालूम है कि गणेश और मिलाद के जो ईद हुए थे उसके दौरान जो नॉइज पोल्यूशन हमने देखा है आवाम उससे बहुत ही बेजार हो गई है. ये इतना बड़े पैमाने पर सब लोग डीजेज लगाना जैसे पब्स में डांस करते हैं उस तरीके से नाचना रोड्स पर पब्लिक रोड्स पर उससे लोग बहुत परेशान हैं. और जो बुजुर्ग हैं जो बड़े उलेमा हैं खवातीन हैं जो भाई बहन हैं सब लोग इस पे बहुत ही अपना एक नाराज़गी बताए हैं और ये हमसे दरख्वास्त किए हैं कि आप सब मिलके सिटी पुलिस की तरफ से और ये जो रियासती सरकार है उसकी जानिब से कुछ कीजिए एक बैठक बुलाइए सबसे बात कीजिए कुछ उस पर आप एक स्टेप लीजिए. इसको कंट्रोल कर नहीं करने से सब बच्चे जो हैं जो ये जुलूस में आ रहे हैं गणेश का हो या मिलाद का हो जो भी जुलूस हो उसमें ये डीजे लगाने का जो कल्चर आ गया है वो बहुत ही बुरी तरीके से आवाम पर एक उसका इफेक्ट हो रहा है. घरों में जो बीमार हैं जो बूढ़े हैं और जो जिनके एग्ज़ाम्स हैं जो पढ़ाई तालीम के तौर पर जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं उनको इतनी बेजारी इससे महसूस हो रही है कि सब लोगों ने दिल से दरख्वास्त किया है कि कुछ करना है. और बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो लीडर्स हैं सभी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप बैठक बुलाइए सबका विचार क्या है सबका सोच क्या है इसके बारे में मालूम कीजिए और सरकार की तरफ से कुछ आप कठिन स्टेप्स जो हैं आप लीजिए. तो इसके तहत हम आज सबको हम लेटर्स लिखे थे सबको यहाँ पर उनको बुलाया है आ रहे हैं अभी 3 बजे शुरू होने वाला है ये मीटिंग के बाद आपको बताएंगे एक हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जो हम वज़ीरे आला और सरकार को पेश करेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे और सबको एक कंसेंसस जो है बिल्ड करने के लिए अभी सब काफ़ी बताए हैं लीडर्स की आप हम भी आपका साथ देंगे तो सबका हम विचार लेंगे सबका सोच मालूम करेंगे इसके बाद एक इस पर कठिन रूप से हम इसका कुछ कार्रवाई करेंगे तो आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे. और मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने जो बच्चे हैं ये डीजेज लेके आकर जो नाच रोड पर कर रहे हैं उन सबको आप पाबंद कीजिए सबको कंट्रोल कीजिए सख्ती से निभाइए क्योंकि जब फैमिली का कंट्रोल नहीं होता रोड पर पुलिस आकर उनको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत ही दिक्कत आगे आती है. तो आप अपने तरफ से आप अपना कोशिश कीजिए सरकार की तरफ से हम सब कोशिश करेंगे पुलिस की तरफ से हम सब मिलके ये न्यूसेंस जो बना है हमारे सिटी में उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. शुक्रिया.